राजसमंद के होलसेल व रिटेल सब्जी विक्रेताओं के बीच चल रहे विवाद का अंत होता नहीं दिख रहा है। आज होलसेल मंडी में होलसेल सब्जी विक्रेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले रिटेल सब्जी विक्रेताओं ने होलसेल व्यापारियों पर मनमाने टैक्स वसूलने का आरोप लगाया था। इस संदर्भ में सुनिए सब्जी मंडी के अध्यक्ष शंभूलाल माली ने क्या कहा। हम सब्जी मंडी के होलसेल व्यापारी, कृषि उपज मंडी में व्यवसाय करने वाले, कल हम गए कलेक्टर साहब के पास, हमने ज्ञापन दिया, हमारी जो भी मांगे थी उनके सामने रखी। हमारा पूरा व्यापार अनिश्चित काल के लिए बंद है और कुछ कतिपय मंडी के बाहर हमारा नाम लेके बदनाम करके बोल रहे हैं कि अंदर के व्यापारी बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जबकि हमारे उस मंडी के परिसर के अंदर एक भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो बाहर बिजनेस कर रहा है। हमारे नाम को बदनाम किया जा रहा है, किसी की सोची समझी साजिश के तहत हमारे को इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है और हमारे नाम को विरोध किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हम व्यापारी बैठे हैं इसके अंदर एक भी ऐसा कोई व्यापारी इस टाइप नहीं है जो बिजनेस बाहर कर रहा है, जो बाहर कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रशासन से, मंडी सचिव साहब से निवेदन करते हैं, हमने ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों है? सर, हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल इसलिए है कि वो कमीशन का मैटर चल रहा है। हमारा नियम गवर्नमेंट का 6% का है, 6% में हम बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। 8% 10% आपने वाले आदमी को सुविधा के हिसाब से दे रहे हैं, ले रहे हैं। हम टोटल व्यापार रोकड़ में करेंगे और 6% में करेंगे, और इसीलिए हम व्यापार रोक रखा। अभी हमने जो व्यापारी से माल ले जाता है वो उधार पे ले जाता है, उसके क्रेडिट के हिसाब से हम उनसे 8% 10% लेते हैं। बाकी कोई नियम से चल रहे हैं। जो कैश में प्रमाण देता है उसको हम 6% से ज्यादा किसी को लेने का अधिकारी भी नहीं है और ना हम किसी से लेते हैं। तो उनकी भी तो मांग यही है कि 6% ही लो है, और आप भी कह रहे हो 6% लेने को तैयार है, तो फिर हड़ताल करने का कोई कारण नहीं रहता। उनकी मांग सर यह है 6% ले लेकिन उधार करो, और 2 महीने में देवे, 1 महीने में देवे, 6 महीने में देवे, कोई गारंटी नहीं। पुराने पैसे किसी के 5,000 से लेके 50,000 लाख रुपए तक बाकी चल रहे हैं। नहीं, हम जब चाहते हैं कि जिसका भी पुराना हिसाब किताब क्लियर करा देवे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे हम 6% में बिजनेस करेंगे और रोकड़ में करेंगे। हमको 6% में बिजनेस करने की कोई तकलीफ नहीं, हम राजी है इसमें। नहीं, प्रत्येक व्यवसाय में उधार अपनी सुविधा से व्यापारी करता है। जी सर। तो आप अपनी सुविधा से कर रहे हो, आप यदि उधार बंद कर दो तो व्यापारी को लेना होगा तो लेगा। तो सर, हम भी जैसे हम ये कारण नहीं होता है, इसके कारण आप ज्यादा कमीशन ले। हम जैसे उदयपुर से, भीलवाड़ा से माल मंगवाते हैं, हम भी उधार पे मंगवाते हैं। 2% हमारे भी सीएस क्रेडिट चार्ज लगता है, वो सब मंडियों में लगता है। तो अपनी आपसे सहमति से ले रहे दे रहे हैं तो सर, तो या आपकी मीटिंग में सार्वजनिक तय हो जाना चाहिए। कोई 12 ले रहा था, कोई 10 ले रहा था, कोई 8 ले रहा था। नहीं ले रहे हैं 12, कोई नहीं ले रहे हैं 12, किसी के पास रूप भी नहीं है, नहीं ले रहे हैं। अनलगर बातें सर, 12 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं सर। हमारा नियम 6% का है, 2% हम एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रहे हैं और के ले रहे हैं, उनकी सहमति से ले रहे हैं। कोई व्यापारी हैंड टू हैंड पेमेंट जमा करावे घाटे पे, हम 6% में पहले भी ले रहे थे, अब भी हमेशा के लिए लेने को तैयार हैं। अब किस स्थिति में आप ये हड़ताल खत्म करेंगे? कल हमारे साहब एसडीएम साहब से और सचिव साहब से वार्ता भी है, उन्होंने हमको बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे। हमारे पहले के पैसे जिस व्यापारी के अंदर बाकी है वो किस तरह से उनका बैठ के सुलझा करेंगे, उसके बाद हम व्यापार करेंगे, रोकड़ में करेंगे। 6% से ज्यादा हम लेंगे भी नहीं, अभी आज दिन पहले कभी लिया है। ठीक है जी, हमारा मेन हड़ताल करने का कारण ये था कि बिना सूचित किए चेयरमैन साहब जब यहाँ पधारे और उन्होंने हमारे साथ जो धक्का मुक्की की और जो दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार की से हमारे में रोष है, और इसी कारण से हमने ये हड़ताल की है कि भाई हम व्यापारी हैं, हम सम्मानित व्यापारी हैं, लाइसेंस शुदा है, हमारी दुकानें हैं, और हम कोई चलते फिरते आदमी तो है नहीं जो हमारे से थोड़ा तमीज से बात करते हैं, या हम कोई दिक्कत थी तो हमें फ़ोन करके बुलाते, अध्यक्ष साहब को सूचना देते कि अध्यक्ष साहब आपकी मंडी में ये हो रहा है, तो हम सब मीटिंग करते, हम साहब के वहाँ जाते, चेयरमैन साहब से मिलते और बातचीत करते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आके अटैक किया जैसे हमने कोई 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। हम सब काम एकदम लीगल कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं, हमारे काम में कहीं कोई गलती नहीं। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि भाई आप बिल फाड़ते ही नहीं है और 6% ऐसे ही लेते हैं, पर्ची पर ही धंधा होता है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल अगर कोई ग्राहक मांगता है तो हम उसको मना नहीं करते हैं, बिल पूरा देते हैं। वैसे हमारे पास जितना माल आ रहा है गेट के ऊपर एंट्री होके आ रहा है, और उस एंट्री के हिसाब से हम मंडी टैक्स भी जमा करा रहे हैं। हमारे हिसाब में कहीं कोई घपोला नहीं है, अगर कभी भी कोई चाहे तो हम उसे चेक भी करवा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आजाद है, शॉप नंबर 1, रोशन एंड ब्रदर्स।